जहां शेख बुटिंग की शुरुआत कर लेते फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द मामले में संसद में विपक्ष विरोध, हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में अडानी मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने काला कपड़ा पहनकर संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र नहीं चाहती, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी संयुक्त संसदीय समिति की मांग भी नहीं मानी जा रही है, हम चाहते हैं कि सत्य बाहर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिमी बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। मुर्मू पिछले साल ही राष्ट्रपति बनी थी, जिसके बाद बंगाल का यह पहला दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू का बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वागत करेंगी। शाम को राष्ट्रपति का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से रविवार शाम 5:54 पर बाहर निकाली है और अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपीएसटीएफ ने उसे वैन में बिठाया और प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। 2 वैन में तकरीबन 30 हथियारबंद जवान मौजूद। जेल के बाहर अतीक ने मीडिया से कहा कि ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। जेल में आखिरी वक्त तक अतीक को पता नहीं था कि उसे एसटीएफ की टीम कहां लेकर जा रही है। अतीक को प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अलग प्रवेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए डबरा पहुंचे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पूरे देश में प्रजातंत्र का गला घोट रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही देश में राजनीतिक संवैधानिक संस्थानों का सम्मान बचा है और ना ही न्यायालय का सम्मान बचा है। सरकार पूरी तरीके से तानाशाह बन चुकी है। बालोद में निर्माणाधीन मकान के 3री मंजिल में 2 मजदूर गिर गए। हादसे में 1 मजदूर की मौके पर ही मौत, वही 1 मजदूर बुरी तरीके से जख्मी। मकान मालिक पर आरोप है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से काम करवाया जा रहा था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। कोरबा में बीजी कार्यालय में हंगामा के बाद बैनर पोस्टर फाड़ने के मामले में 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद बीजेपी ने चक्का जाम करते हुए कार्रवाई की मांग की। रायसेन में हार्वेस्टर द्वारा फसल नहीं काटे जाने से दुखी युवक ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की धमकी दी। युवक ने कहा है कि गांव में किसी भी किसान की भूमि के पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं होने के कारण प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का हमें मुआवजा नहीं मिलता है। वही सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आई। थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार ने युवक के घर पहुंचकर उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया और आश्वासन दिया कि प्रशासन ने युवक के घर पहुंचकर उससे बातचीत की। राजनांदगांव नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर अचानक से बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें कंटेनर के ड्राइवर को बुरी तरीके से चोट आई है, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सख्ती में बिजली करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। रोड निर्माण कार्य में काम करने यहां पर हादसा हुआ है। बारद्वारा का ये पूरा मामला। बालोदा बाजार में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिसने कई सालों से फर्जी डिग्री के आधार पर नर्सिंग होम चलाकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। आरोपी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 771 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। बालाघाट में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की मौके पर ही मौत, एक दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर में 3 साल की मासूम का साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया है। बच्ची अपने मां बाप के साथ सो रही थी, तभी आरोपी उसे अगवा कर लेकर गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने घोषित किया था 10,000 का इनाम। सूरजपुर के गांव काला मंजर में सुबह बाघ ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में एक की मौके पर ही मौत, तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरगुजा में पहाड़ी कोरवा में अज्ञात कारणों से यहां पर लगाई फांसी। अपनी एक बच्ची के साथ 3 दिन पहले निकला था घर से, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सूरजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत का मामला और 1 अन्य जख्मी। बेमौसमी बारिश से बचने के लिए 3 पेड़ के नीचे खड़े थे। क्वारदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने टक्कर मार दी है और टक्कर से दोनों ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक की मौत, 1 हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इंदौर कलेक्ट्रेट में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी क्लर्क मिलाप सिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया है। कलर्क ने अपनी पत्नी के खाते में 85 लाख रुपए डाले थे, जबकि साली के खाते में 15 लाख ट्रांसफर किए थे। आरोपी ने दोनों के खाते में हितग्राहियों की राशि में गड़बड़ी करके ट्रांसफर किए थे। 5 करोड़ के गबन के मामले में अब भी कई आरोपी फरार है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी है। बालाघाट में मुखबिर की सूचना के आधार पर हिंदूवादी संगठनों ने घेराबंदी करते हुए 122 नग मुक मवेशियों को छुड़वाया है। साथ ही जो लोग मवेशियों को लेकर जा रहे थे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गौवंश प्रतिशेष अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। पटना में दर्शन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। पति पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबुआ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सारगंज बिलाईगढ़ में नहाने जा रहे बच्चे पर चढ़ा डंपर, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। हादसे को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया है, परिजनों को मुआवजा राशि दिलवाने की भी मांग की। बालोदा बाजार के गांव कोदवा में पिता ने सगी बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी, इसके बाद तालाब में डुबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बेटी की गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी पति ने पहली पत्नी की भी मौत के बाद दूसरी शादी की थी। आरोप है कि दूसरी पत्नी बेटी को रास्ते से हटाना चाहती थी और आरोपी पिता ने बेटी की हत्या कर दी। इंदौर के दशहरा मैदान में रुद्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर मौजूद रहे। प्रदेश की पहले वंदे भारत ट्रेन का रेक पहुंचा भोपाल। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। सोनीपत में मुरथल में पति पत्नी का झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान शराब के नशे में धुत पति ने पुलिस पर हाथ उठाया। आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं, 1 पत्नी से मारपीट का केस, दूसरा सरकारी काम में बाधा डालने का। बालागढ़ के सेक्टर 3 में एक 28 वर्षीय युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक कुछ दिन पहले ही कमरे के किराए में रह रहा था। वही मकान मालिक का कहना है कि जब से युवक ने कमरे को किराए पर लिया था तब से वो गुमसुम रहता था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरीदाबाद में सारण थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोर घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हो चुके हैं। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चोरी की घटना शिकायत पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक चोरी के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। बदमाशों ने पीएनबी बैंक मैनेजर की बाइक को लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
समलखा के देवरू रोड पर एक मकान मालिक पर तलवार और सरियों से हमला किया गया, जिसके बाद घायल को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है। मांगेराम ने सतीश नामक शख्स को किराए पर दुकान दे रखा था, जिसे खाली कराने के लिए मांगेराम कई बार जा चुका था। इस दौरान सतीश ने मांगे पर हमला किया। टोहाना के बस स्टैंड के सामने एक बिल्डिंग में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, पुलिस मौके पहुंची, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2,65,000 रुपए भी नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया, तफ्तीश जारी। फरीदाबाद में ऑटो के अंदर सीएनटी सिलेंडर फिट करने वक्त ब्लास्ट हो गया है, इस दौरान चालक झुलसा है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर कहा कि डिफेंस मिनिस्टर योआव ग्लेंट को बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में मीनार ए पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली की। इस दौरान इमरान के हजारों समर्थक जमा हुए और खान ने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित स्क्रैमंटो काउंटी में एक गुरुद्वारे में फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों के बीच गोलीबारी हुई और 2 लोग जख्मी हुए। एलन मास्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्विटर ने के सोर्स कोड ऑनलाइन लीक हुए हैं और कोर्ट फाइलिंग से इसका खुलासा हुआ है। ट्विटर ने इस पूरे मामले में कोर्ट से अपील भी की। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कनाडा में इंडियन कम्युनिटी के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन कर भारत सरकार के नई दिल्ली में मौजूद कनाडियाई हाई कमिश्नर को तलब किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने कहा है कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेंगे। अमेरिका के मिसिसिपी में आए टॉर्नेडो की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई है। यह इलाके में तेज बारिश के बीच गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले गिरे। विश्व चैंपियनशिप में लवीना ने 2 बार की राष्ट्रीय मंडल खेलों की पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन पारक को खिलाफ यहां पर जीत दर्ज की है। लवीना ने 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निकर जरीन ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जादव हॉल में आयोजित महेंद्र आईबीए महिला विश्व बुकेबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत का ये टूर्नामेंट का 4th पदक रहा। 31 मार्च से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट यानी कि आईपीएल शुरू होने जा रही है। 16वां सीजन शुरू होगा। 69 दिन तक चलने वाली इस लीग के मुकाबले 10 टीमों के बीच 12 शहरों में मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने 2022-23 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। रविंद्र जडेजा, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह वाले A+ ब्रीड में शामिल है। इन सभी को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। साउथ अफ्रीका टीम में ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चैलेंज किया है और 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। ब्रैबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए और मुंबई ने 19.3 ओवर में टारगेट हासिल किया। मलयालम अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसद इनोसेंट वरीद थेकाथाला का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। कोची के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर अपनी फिल्म गुमराह को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। 7 अप्रैल 2023 को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
हाल ही में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जयपुर के एक इवेंट में पहुंची, सामी सामी गाने पर डांस करती हुई नजर आ, और इस इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। रणवीर कपूर की एक्टिंग देख मां नीतू कपूर खुश हुई है, तू झूठी में मक्कार का फेवरेट सीन शेयर किया। फिल्म तू झूठी में मक्कार 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुका है। 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ की कमाई की। निर्देशक अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म भीड़ सिनेमाघर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। फिल्म ने अब तक 3 दिनों में 1.85 करोड़ का कनेक्शन किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू अपनी अपकमिंग फिल्म SSN 3 28 को लेकर सुर्खियों में बने हुए। ये फिल्म अगले साल 13 जनवरी को रिलीज होगी। साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस राशि खन्ना मल्होत्रा की एक्शन फिल्म योद्धा में नजर आने वाली है। मारधार से भरपूर इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जॉन विक 4 को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और फिल्म ने भारत में अब तक 17.25 करोड़ की कमाई की। हैरी पॉटर के एक्टर डैनियल रेडक्लिफ जल्द ही पिता बनने वाले हैं। एक्टर की गर्लफ्रेंड एरिन ट्रॉक प्रेग्नेंट है और कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है।